अगर आप ढूंढ रहे हैं एक फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप अपने मैक, आईफोन, एंड्रॉयड या विंडोज कंप्यूटर के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यार क्या हाल है, वेलकम बैक टू अनदर यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो। मैं हूँ डीडी आपका यार। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसको अगर अभी भी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। स्वागत है आप सबका आई एम डी वाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो सबसे पहला ऐप है वो है VN वीडियो एडिटर। और इस ऐप की सबसे अच्छी बात है कि ये फ्री है और ये अवेलेबल है मैक, विंडोज, एंड्रॉयड और आईफोन पे। तो गाइज VN वीडियो एडिटर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फोटोज का ऑप्शन है जहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने फोटोज को। यहाँ पे स्टॉक्स का एक ऑप्शन है जहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं इंटरनेट से वीडियोज और इमेजेस को। यहाँ पे कुछ टाइटल के ऑप्शंस हैं, कुछ म्यूजिक के ऑप्शंस हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ साउंड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे राइट में आपको मिल जाते हैं बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे कि आप फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं और अपने इमेज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे ऑप्शन स्पीड रैंपिंग का, यानी कि आप स्लो, फास्ट ऐसे वाले इफेक्ट्स डाल सकते हैं अपने वीडियो में। यहाँ पे आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, आप फेड इन फेड आउट का इफेक्ट लगा सकते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ब्लर करना चाहते हैं अपने इमेज को या उसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जूम इन और जूम आउट का इफेक्ट अपने वीडियोस पे, और आप अपने इमेज के ओपेसिटी को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नीचे आपको मिल जाते हैं बहुत सारे ऑप्शंस। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है इफेक्ट्स का। यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं अलग अलग इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस को। इसके साथ साथ आप अपने वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, उसके ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं और फिल भी कर सकते हैं अगर आपका एस्पेक्ट रेशियो सही नहीं है तो। इसके साथ साथ आप ऐड कर सकते हैं और भी इफेक्ट्स जैसे कि रिवर्स, फ्रीज और फॉरवर्ड। हालांकि ये ऐप कंप्लीटली फ्री है लेकिन इसमें आपको कुछ एडवांस्ड एडिटिंग टूल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं की फ्रेम को। और इसके साथ साथ अगर आप आते हैं नीचे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्किंग का भी ऑप्शन है, तो आप मास्किंग भी ऐड कर सकते हैं इसमें और बहुत ही प्रोफेशनल वीडियोस बना सकते हैं इस फ्री ऐप की मदद से। अगला जो फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप है उसका नाम है हिट फिल्म एक्सप्रेस, और ये ऐप अवेलेबल है मैक और विंडोज पे। तो हिट फिल्म एक्सप्रेस को आप डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री इस वेबसाइट से। इस ऐप में आपको देखने को मिलते हैं कुछ प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग टूल्स जो कि अवेलेबल हैं हाई एंड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स पे। इसके साथ साथ अगर आपको VFX पसंद है तो ये ऐप आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री VFX टूल्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आप 4K में एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस ऐप से बिना किसी वाटरमार्क के, और यहाँ पे एडवांस्ड फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि मोशन ट्रैकिंग और एनिमेशन टूल्स। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि हिट फिल्म एक्सप्रेस काम कैसे करता है तो इनके वेबसाइट पे ढेर सारे ट्यूटोरियल्स हैं जिनको देख के आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। अगला जो फ्री ऐप है उसका नाम है डाविंची रिजॉल्व, और इसको बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं एडिटिंग के लिए। तो डाविंची रिजॉल्व को आप डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री इस वेबसाइट से, और यहाँ पे आप बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल वीडियोस को आप एडिट कर सकते हैं एक साथ। और यहाँ पे आपको कुछ एडवांस टूल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप एडिट कर सकते हैं अपने ऑडियो को, और इसके साथ साथ आप ऐड कर सकते हैं विजुअल इफेक्ट्स और मोशन ग्राफिक्स। लेकिन डाविंची रिजॉल्व पॉपुलर है उसके कलर ग्रेडिंग के ऑप्शंस के लिए, जो कि हॉलीवुड लेवल के कलर ग्रेडिंग ऑप्शंस हैं, यानी कि आप दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को एक सिनेमैटिक लुक हॉलीवुड स्टाइल में। और अगर आप हैं एक नए मैक यूजर और सीखना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग, तो आपके लिए जो सबसे परफेक्ट ऐप है वो है iMovie, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है मैक पे, आईफोन पे और आईपैड पे। तो iMovie को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से, और यहाँ पे आपको ढेर सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप इसमें कर सकते हैं 4K एडिटिंग, और अगर आपके पास आईफोन 13 है तो आप कर सकते हैं सिनेमैटिक वीडियोस को भी एडिट iMovie में। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके पास है एप्पल प्रो रॉ वीडियो या एप्पल प्रो रॉ इमेजेस तो उनको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं iMovie में और एडिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऐड कर सकते हैं कुछ स्पेशल इफेक्ट्स जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन या पिक्चर इन पिक्चर अपने प्रोजेक्ट्स में। iMovie में आपको देखने को मिलते हैं ढेर सारे फिल्टर्स और साउंड इफेक्ट्स और साउंड ट्रैक्स जिनको आप ऐड कर सकते हैं और अपने वीडियोस को यूनिक बना सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ एडवांस्ड फीचर्स भी अवेलेबल हैं iMovie में जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, जैसे कि आप यूज कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट अपने प्रोजेक्ट्स में। और इस ऐप का सबसे अमेजिंग पार्ट है कि अगर आपके पास एक मैक है, एक आईपैड है या एक आईफोन है तो आप एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं एडिट करना एक डिवाइस पे और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं दूसरे डिवाइसेस पे भी। अगर जानने हैं iMovie के बेसिक्स के बारे में तो इस वीडियो पे अभी के अभी क्लिक करो। यहाँ पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।